हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑन मोड पर रखें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डाला आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। आज है पर्यावरण शिक्षा शास्त्र का एमसीक्यू नंबर 3। इसके पहले मैंने 2 एमसीक्यू के वीडियोस और डाल रखे हैं और अन्य सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू के वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में बाल विकास एमसीक्यू शास्त्र में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम में भी जाकर इसे खोल सकते हैं, वहां पर इसका पीडीएफ नोट्स भी डाला जाएगा। यदि आप इसे लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके केवल प्रश्न क्रमांक में एबीसी उत्तर लिखकर ही उत्तर दें, पूरा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दे सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं मैं, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? ए, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। बी, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। सी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। डी, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बहुत ही आसान है, डी। जिन्होंने भी डी उत्तर दिया है बहुत सही जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे प्रदत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए? ए, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। बी, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। सी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। डी, विद्यार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे प्रदत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य, जब आप कोई बच्चों को कार्य देते हैं तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी उत्तर दिया है, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? ए, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। बी, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। सी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। डी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ताकि प्रश्न पहले आ चुका है फर्स्ट नंबर के वीडियो में, बहुत ही सरल प्रश्न है। और आप क्या करते हैं, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, दृश्य सामग्री का उदाहरण है। ए, रेडियो। सी, बी, फिल्म। सी, टेप रिकॉर्डर। डी, प्रतिरूप। तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत क्या शामिल है? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर होगा, बिल्कुल सही, डी, प्रतिरूप। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ रहा हूं। यदि आप लाइव देख रहे हैं, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दे सकते हैं, केवल प्रश्न क्रमांक लिखिए और एबीसीडी लिखकर उत्तर दीजिए। यदि आप बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है। ए, अभिज्ञान पद रूप। बी, प्रत्यास्मरण रूप। सी, विकल्प ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 5 का मैं बताया हूं, जिसमें भी मैक्सिमम विकल्प आपको दिखे तो उसमें आपको उत्तर लगाना ही है। अभिज्ञान पद रूप और प्रत्यास्मरण रूप, ये दोनों वस्तुनिष्ठ परीक्षा का जो है वो प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 6, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या है? ठीक है, ए, वस्तुनिष्ठता। बी, वैधता, सहजता। सी में सहजता। डी, इनमें से सभी। तो क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 6 का एबीसीडी लिखकर आप उत्तर दीजिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए अच्छे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में, वैधता होनी चाहिए, सहजता भी होनी चाहिए, मतलब डी, इनमें से सभी इसका उत्तर होगा। जिन्होंने डी उत्तर दिया बहुत सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विचार विमर्श विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और समान अवसर। बी, प्रयोग करके सीखना। सी, रटना। डी, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विचार विमर्श विधि किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो प्रश्न क्रमांक सातवां का क्या उत्तर होगा? प्रश्न क्रमांक सातवां का उत्तर होगा, बिल्कुल सही, जिन्होंने ये उत्तर दिया है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और समान अवसर। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक आठवां पढ़ रहा हूं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण आकलन की विषय वस्तु या थीम है? 2005 के अनुसार थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है? ए भोजन, बी सौर मंडल, सी मौसम, डी ऊर्जा। क्या थीम है? प्रश्न क्रमांक आठवां, सिंपल सा प्रश्न है, आठवां का उत्तर आपको देना है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन आकलन की विषय वस्तु या थीम है भोजन, ए। ठीक है, इसका उत्तर होगा ए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नौवां की ओर, क्रियाकलाप को विचार शिक्षा क्षेत्र में स्थापित करने का प्रणेता माना जाता है? ए अरस्तू को, बी रूसो को, सी एडम्स को, डी स्पेंसर को। किसे इसका प्रणेता माना जाता है? प्रश्न क्रमांक नौवां का उत्तर होगा, बहुत ही सही, रूसो का संबंध है इससे, विचार शिक्षा के क्षेत्र से। प्रश्न क्रमांक दसवां, दसवां थोड़ा बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सोच कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक दसवां क्या है? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिशाएं निर्मित किया गया है में पौधा और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पौधा और पशु को किसके अंतर्गत? परिवार और मित्र। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है जो नहीं है? इनमें से एक कारण खोजना जो गलत है, कि पौधा और पशु को परिवार और मित्र के उपविषय के अंतर्गत शामिल किया गया है। ए इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। बी विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। डी इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। तो इनमें से कौन सा एक गलत है जो दोनों को कोरिलेट नहीं करता है? प्रश्न क्रमांक दसवां बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और इसका उत्तर होगा डी, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे के से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। ये हम पौधे पशु और परिवार और मित्र को इसे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा डी। जिन्होंने भी डी उत्तर दिया बहुत सही। प्रश्न क्रमांक 11वां की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण मतलब पर्यावरण शिक्षण का एक उद्देश्य है? प्राइमरी लेवल पर ए मानव की त्वचा के रंग और उनके कद में विभिन्नता के कारणों के बारे में छात्रों को ज्ञान प्रदान करना। बी छात्रों को पर्यावरण से संबंधित सभी नवीन तथा जागरूक विचारों को सिखाना। सी उनका परिचय तकनीकी से भरे संसार से कराना। डी छात्रों को लिंग आधारित मुद्दों के बारे में शिक्षा देना। तो कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य में शामिल नहीं है? बहुत ही सरल है, दिख रहा है सामने से साफ साफ, तो बी पर्यावरण को छात्रों को पर्यावरण से संबंधित सभी नवीन तथा जागरूक विचारों को सिखाना, ये प्राइमरी लेवल पर नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 12वां, ईवीएस के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहचाना गया संकेतक से संबंधित तर्क वितर्क करता है और तार्किक संबंध स्थापित करता है? ए स्पष्टीकरण, बी अभिव्यक्ति, सी अवलोकन, डी चर्चा। तो क्या संबंधित है या संबंध स्थापित करता है तार्किक रूप से ईवीएस के आकलन में पर्यावरण के आकलन के लिए? तो स्पष्टीकरण, अभिव्यक्ति, अवलोकन या चर्चा। प्रश्न क्रमांक 12वां बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, तो स्पष्टीकरण होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13वां, स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? ए करके सीखना, बी आगमन विधि, सी प्रयोगात्मक विधि, डी निरीक्षण विधि। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस विधि में जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 13वां, और 13वां का उत्तर जिन्होंने भी बी दिया है वो बहुत ही सही, आगमन विधि में जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध है? ए किलपैट्रिक से, बी मदन मोहन मालवीय से, सी होब्रेल से, डी मॉन्टेसरी से। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का संबंध किससे है? प्रश्न क्रमांक 14 बहुत ही सरल प्रश्न है,
इसका पीडीएफ भी आपको बाद में उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल में लाइव देख रहे हैं, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दीजिए, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करके उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा किलपैट्रिक से संबंधित है प्रोजेक्ट प्रणाली का। आगे बढ़ते हैं, 20 प्रश्न है, 20 20 20 करके 60 प्रश्न डल गए हैं। आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगा आपको यूट्यूब पे, वहां पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां जाकर आप बाकी के वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, हिरोस्को का अर्थ है ए मैं खोजता हूं, बी मैं जानता हूं, सी मैं निरीक्षण करता हूं, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिरोस्को जिससे ह्यूरिस्टिक मेथड बना है उसका संबंध किससे है? प्रश्न क्रमांक 15 का बहुत ही सरल उत्तर है मैं खोजता हूं, ठीक है। 16, विनेटिका प्लान में महत्व दिया जाता है, किसे महत्व दिया जाता है? ए व्यक्तित्व को, बी कार्यक्रम को, सी शिक्षण सामग्री को, डी त्रुटियों को। तो विनेटिका प्लान में किसको महत्व दिया जाता है? प्रश्न क्रमांक 16 बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और इसका उत्तर है व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है विनेटिका प्लान में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 17, पाठ योजना में शिक्षण उद्देश्य होना चाहिए ए स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ, बी व्यक्तिनिष्ठ, सी अस्पष्ट, डी अनिश्चित। क्या होना चाहिए पाठ्य योजना में शिक्षण का उद्देश्य? तो प्रश्न क्रमांक 17 और 17 का उत्तर जी हाँ, जिन्होंने भी ए गेस किया बहुत सही, स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है, क्या राय है? ए पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब पाठ के साथ साथ जो चलती है, ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग है। बी इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है। सी इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। डी इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। प्रश्न क्रमांक 18 जो कि बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा, आपकी राय क्या होगी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में? प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर जिन्होंने भी सी दिया है बहुत सही, इनसे बच्चों को सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है बच्चों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 19 और 20 लास्ट दो प्रश्न, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि ए व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है, बी शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, सी शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, डी विद्यालयों में निरंतर छात्र संख्या का दबाव बढ़ रहा है। क्या इसका प्रमुख कारण है बेरोजगारी बढ़ने का? तो ए व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है वर्तमान में, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19 का ए जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, नई शिक्षा नीति से संबंधित भी है। प्रश्न क्रमांक 20, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब ए छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं, बी सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, सी ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, डी शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। तो कब अध्यापक को प्रसन्नता अधिक होगी, किस कंडीशन में? तो किस कंडीशन में होगी भाई, जब सब आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं तब अध्यापक को कक्षा में पढ़ाने के समय प्रसन्नता अधिक होती है। इस प्रकार यह 20 प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लक्ष्मी भवसपाल सर्च करके वहां पर जुड़ जाइए और ये वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।